बेटे कैन यू क्विकली राइट इन द चैट बॉक्स कि आज मैम ने थोड़े नाल कीड़ा वर्क शेयर किया, जल्दी जल्दी राइट इन द चैट बॉक्स फटाफट। बेटे अपना नाम नहीं लिखना। ओके वेरी गुड, सिर्फ दिया ने लिखा। दिया सिर्फ टिप्पी दे या बेटे हर्षील भी टिप्पी, हम सबने टिप्पी दे लिखना शुरू कर दिया, सिर्फ टिप्पी दे सेंटेंसेस ही। ओके पोएम सी ठीक है बेटे, यस एक भी थैंक यू। बिंदी टिप्पी दोनों सी ठीक है। सो मैम ने थोनों पहले भी की दसिया सी कि असी बिंदी ते टिप्पी दोनों इकट्ठे सेंटेंसेस करन जा रहे हैं। क्यों इकट्ठे करन जा रहे हैं? क्योंकि क्यों इकट्ठे करन जा रहे हैं? क्योंकि उन्हां दी आवाज जिहड़ी है वो इको जी हुंदी है। जो भी उन्हां ने काम करना हुंदा है सेंटेंस नू वर्ड नू लिखन दे विच, वो उन्हां दा काम जिहड़ा हुंदा है वो इको ही हुंदा है ठीक है, डिफरेंट नहीं हुंदा कुछ। सिर्फ बिंदी ते टिप्पी किथे लगदी है उसे चीज का फर्क हुंदा है, है ना? केड़ी मात्रा दे नाल बिंदी लगनी है, केड़ी मात्रा दे नाल टिप्पी लगनी है, सिर्फ यही फर्क हुंदा। एक भी तुसी लिखा होया अपनी बुक पे, एक बारी दस सकते बोल के? यस मैम। तुसी अपनी बुक दे ऊपर बेटे लिखा होया कि केड़ी मात्रा दे नाल बिंदी लगनी है ते केड़ी दे नाल टिप्पी? मैम आई डिडंट रिमेंबर। ओके हाँ जी, सब दे कोल बुक्स है? शो योर बुक्स फटाफट, मीन नॉट शो बट ओपन योर बुक्स और देखो जरा कि केड़ी मात्र। मैं थोनू क्या सी ना कि बिंदी ते टिप्पी वाला पेज जड़ा है पेज नंबर 55-56 ओदे ऊपर लिखो। मैं थोनू मात्रावां दसियां सी, मैं थोनू क्या सी कि तुसी ओदे ऊपर लिखना है कि केड़ी मात्रा दे नाल बिंदी लगनी है केड़ी दे नाल टिप्पी। हाँ जी चलो चलो क्विकली क्विकली। गुड मॉर्निंग मैम, विच पेज नंबर? मैम इट्स 55-56, बिंदी टिप्पी मात्रा दा ही पेज नंबर देख रहे हैं असि। ओजा हाँ जी मिलिया, जल्दी जल्दी ओके। हाँ जी हु वांट्स टू टेल? हु वांट्स टू टेल? बेटे क्विकली अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी बेटे इस तरह तो नहीं होएगा ना, मैम ने थोनू कितनी देर तक क्या होया सी ना ये चीज कि तुसी नोट डाउन करके रखना है। ओके मैम आई हु इज दिस? हाँ जी हर्ष बेटे बोलो जल्दी जल्दी। मैम मैम थ्री लेटर वर्ड। बेटे रीडिंग नहीं किया मैम ने करण वास्ते, मैम ने रीडिंग नहीं किया, मैं थोनू ये पूछा है कि केड़ी मात्रा दे नाल बिंदी लगानी है, क्योंकि देखो दोनों दी आवाज न दी है, हल्की जी न दी ते अंग दी आवाज आंदी है ना ठीक है, जदों असीं किते बिंदी पांदे आ या टिप्पी पांदे आ ते सानूं किद्दां पता चलेगा कि किथे असीं नन्नी दी या अंग दी आवाज आन ते बिंदी पानी है ते किथे टिप्पी पानी है, किद्दां असीं फर्क करांगे? हां जी ओके। हां जी थोड़ी स्क्रीन दे ऊपर है, एक बार क्विकली देखो मैम। बेटे एक बार हरसीरत पहले जो मैम ने लिखे स्क्रीन पे शो कर रहे हैं देखो जरा अच्छी तरह, अपनी बुक दे ऊपर हुने लिखो, एदा मतलब तुसी किसी ने भी मैम दी इंस्ट्रक्शन नू फॉलो नहीं किया। फटाफट अपनी बुक ओपन करो जल्दी जल्दी और राइट इट डाउन नाउ ठीक
ठीक है। अगेन टिप्पी जड़ी है जिमें बब्बे दे ऊपर टिप्पी दद्दा बंद न दी आवाज आंदी है उठे बब्बे ते टिप्पी दद्दा बंद नन्हे दी आवाज ही आ रही है उदे ऊपर है ना। ते जड़ी बिंदी हुंदी है ठीक है जिमें बब्बे नू कन्ना उपर बिंदी गगा पांग अंग दी आवाज आ रही है ठीक है। तो सानू किद्दां पता चलेगा कि बिंदी ते टिप्पी असी दी वरतों असी किथे करनी है। जड़ी टिप्पी है वो सिर्फ चार मात्रावां दे नाल वरतों चाहुंदी है मुक्ता सिहारी औंकड़ ते दुलैंकड़। मैं रिपीट कर रही हाँ जड़ी टिप्पी है वो सिर्फ ते सिर्फ चार मात्रावां दे नाल वरतों चाहुंदी है मुक्ता सिहारी औंकड़ ते दुलैंकड़। ते जड़ी बिंदी है वो कन्ना बिहारी लां दुलां थोड़ा ते कनौड़ा ठीक है। जल्दी जल्दी अपनी बुक ते लिखो बेटे तुसी सिंबल बना सकते हैं ना देख कन्ना सिहारी बिहारी जरूरी नहीं जिदा मैं पंजाबी च लिखा हुआ तुसी अद्दे ही लिखना है ठीक है। टिप्पी मुक्ता सिहारी औंकड़ दुलैंकड़ के नाल आउंदी है ते बिंदी कन्ना बिहारी लां दुलां थोड़ा ते कनौड़ा दे नाल आउंदी है। क्लियर है हुण इहनूं भुलना नहीं है दोबारा और ये थोड़ी बुक दे उपर लिखिया होना चाहिए है तुसी इहनूं याद करो बेटे। इज इट क्लियर क्योंकि जो तक थानूं ये याद नहीं ना रहेगा तुसी हाले इहनूं इन्नी जल्दी समझ नहीं सकोगे क्योंकि आवाज तो दोनों दी सेम है फिर किद्दां पता चलेगा इन्ने सारे स्पेलिंग तो तुसी लर्न नहीं कर सकोगे कि अच्छा मैं सारे स्पेलिंग बिंदी टिप्पी वाले लर्न कर ला ठीक है। अश्वी ने पेंसिल मुंह चो बाहर कटो ठीक है। ऑल राइट मैं स्क्रीन शेयर बंद कर रही हूँ और बेटे वाई वेट तुसी पंजाबी च लिखना शुरू कर दिता है ना क्योंकि मैम ने थोनू क्या सिंबल्स बनाओ ना दे सिर्फ कि मुक्ता किदा लिखते हैं सियारी किदा लिखते हैं सिर्फ दस तो मात्रा में इन्ना टाइम तो नहीं लगता। एंड दोज हु आर सेइंग प्लीज वेट जड़िया मैम ने पुरानी वीडियो थोड़े नाल शेयर की ना इंट्रोडक्शन वाली उन्होंने दोबारा देखो ठीक है उन्होंने दोबारा चेक करो क्योंकि उन्होंने विच ही ए मैं थोड़ा इनफॉर्मेशन शेयर की हुई है क्योंकि अगर मैं अज की क्लास दे विच भी थोड़े नाल पुराना ही थोड़ा पढ़ाना शुरू कर दिता फिर नेक्स्ट किदा करांगे ठीक है। और ये जड़ा वो जड़ी चीज मैं थानू आज दोबारा पूछी है और किसे ने कीती नहीं हुई ये थोड़े ना लास्ट टू लास्ट वीक शेयर हुई हुई है क्योंकि लास्ट वीक ता असी रिवीजन भी करनी शुरू कर दी थी है ना असी लास्ट वीक वर्ड लिखे है लास्ट वीक दे विच असी इंट्रोडक्शन कीती है पर उस तो पिछले वीक दे विच भी मैं थानू यही इनफॉरमेशन दे चुकी थी ठीक है बेटे बी लिटिल अटेंटिव एंड अलर्ट क्योंकि मैं इट्स नॉट पॉसिबल कि जड़िया बेसिक चीजें हैं वो बार बार रिपीट कीतियां जान क्लास है ना ठीक है। मतलब मैं इदा दोबारा लिखवावांगी नहीं मैं सिर्फ पूछांगी कि किने किने लिखिया होया और वो दसणगे नेक्स्ट क्लास दे विच ठीक है। आई होप उन सारे ने लिख लिया होएगा ओके सो हुन आज दा स्टार्ट करिए। ओके सो अगेन आज असी फिर दोबारा एक बारी सारियां ही मात्रावां नू चेक करांगे है ना जस्ट रिवाइज करांगे कि थानू सारा याद है या नहीं याद है ठीक है। कैमरा ऑन करो जरा जल्दी जल्दी सारे अपने फटाफट कैमरा ऑन करो बेटे। हाँ जी उन्हें असी मुक्ता करना सिहारी बिहारी औंकड़ दुलैंकड़ लां दुलां हुड़ा कनौड़ा सारिया ही मात्रावां पिछलियां भी लैनियां क्योंकि हुण असी सिलेबस कवर कर चुके हैं तो सारिया नू इकट्ठे ही लैके चलांगे ठीक है। तो चैट बॉक्स विच
checking the chat box. First A, second B. Okay. हाँ जी ओके तनिष्का सचदेवा जी हाँ बेटे टर्न योर कैमराज ऑन. सो फर्स्ट ए सारे ए लिख रहे हैं. पाठशाला, पाठशाला की होंदा है स्कूल जिथे बच्चे पढ़न जाते हैं. बेसिकली जिथे बच्चे पढ़न जाते हैं उन्हें पाठशाला कहते हैं. पाठशाला जाकर डैश पढ़. हम साढ़े को तीनों ऑप्शन देखेंगे तो सिर्फ ऑप्शन ही एक सही आती है पाठ की. ना तो कसरत को पढ़िया जा सकता ना आदर को पढ़िया जा सकता. पर जे साढ़े को ऑप्शन के पाठ ना लिखा होंगे. अरमान कैन यू अनम्यूट योर सैल्फ जल्दी जल्दी बेटे. जेड़े भी बच्चे का मैम नाम ले रहे हैं ना वो बच्चा क्विकली क्विकली अनम्यूट करेगा. अरमान अनम्यूट योरसेल्फ बेटे एंड टर्न योर कैमरा ऑन. अरमान ओके अरमान सुन नहीं गया है. अनंतिका कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ बेटे. यस मैम. ओके अरमान. अरमान जे साडे कोल इत्थे पाठ ना लिखिया हुंदा ऑप्शन विच पर फिर असी होर केड़ा वर्ड फिल कर सकदे सी पहली ब्लैंक दे विच. बाकी सारे भी सोचो मैम किसी कोलो भी पूछ सकदे है. अगर सपोज सानू ऑप्शंस नहीं दितियां तुसी ऑप्शंस वाल नहीं देखना अरमान सिर्फ खाली थां वाल देखो. पाठशाला जाकर डैश पढ़ दसो केड़ा होर वर्ड आ सकदा सी. Yes, ma'am. हाँ जी अनंतिका तुसी दसो बेटे. फटाफट चैट बॉक्स विच लिखो जरा जिन्हों भी आंसर आंदा जल्दी जल्दी so that everybody can read. Spelling भी कोई problem नहीं है. Ma'am, can I speak? बेटे write in the chat box. अच्छा ma'am. अच्छा एक मैं लिख दिता. नाम नहीं अपना नाम नहीं लिखना. एक मैम ने दस लिख दिता इंग्लिश में ही लिखा है कोई गल नहीं no problem. पाठशाला जाकर मैम ने वर्ड लिखा कविता पढ़. एक किसी बच्चे ने लिखा सी बुक शायद. हाँ बुक मतलब किताब पढ़ है ना. वेरी गुड बेटे प्लीज अननेसेसरी मैसेज सेंड करना बंद करो. अभिनव परमार किताब ओके किताब बेटे सी नाल नहीं. मैम मुझे पहला एक भी आंसर नहीं लिखा. अनम्यूट कर रहे हो तुसी सिर्फ बेटे तुसी चैट बॉक्स विच नहीं लिख रहे. ओके सारे हम किताब से कविता ही लिख रहे हैं. ठीक है पाठ पढ़ कविता पढ़ किताब पढ़. ओके ओके नेक्स्ट सिमरन डैश बिछा. ओके सेकंड दा सारे ने वैसे बी लिखा सी सिमरन बिस्तर बिछा. ठीक है इतने सिमरन अगर सारे को ऑप्शन ना होंगी तो सिमरन चादर बिछा भी आ सकता. ठीक है ओके नेक्स्ट. हाँ जी बेटे नेक्स्ट नो देखो. मनदीप बेटे थर्ड. सारे बच्चे चैट बॉक्स में लिख नहीं रहे. राघव थर्ड का बेटे फर्स्ट नहीं है. थर्ड का ए. ओके फोर्थ
सी थर्ड द ए बच्चे लिख रहे हैं फोर्थ का सी लिख रहे हैं चलो लेट्स सी मनदीप डैश लिया मनदीप लिखाई भी नहीं लिया सकती स्कूल भी नहीं लिया सकती मनदीप पहले वैसे लिया सकता भी हो सकता है अलमारी सो थर्ड द ए इज द करेक्ट ऑप्शन फोर्थ है कुलजीत डैश वालचा सो फोर्थ द सी यस कुलजीत दुकान वालचा ठीक है गुब्बारा तो मुसीबत वाल थोड़ी कोई जाएगा सो कुलजीत दुकान वालचा वेरी गुड बट मैं ये भी पता चल रहा है कि हाले थानू काफी ज्यादा प्रैक्टिस की लोड़ है सारिया मात्रावां नू दोबारा दोबारा पढ़ो हाँ जी हुण तुसी देखना है मैं दे लिए एक रूल भी थानू दस्या होया चंगी तरह कि तुसी एक एक वर्ड नू अच्छी तरह देखना है चलो पहले कुछ बच्चों नू आंसर दे लें दो उस तो बाद डिस्कस करते हैं बेटे फिफ्थ का आंसर देना है हम सबने फिफ्थ ए सिक्स्थ बी ओके किदां फिफ्थ का ए आया सब तो पहला साढ़े कोल चचे नू करना है ना सो असी की करना है असी पहला वर्ड नहीं देखना कि उल्टा है सीधा है की है असि पहला ये देख लवांगे कि चचे नू करना है दे विच ठीक है सो ए ते बी दे विच चचे नू करना है सी नू असि हुण देखना ही नहीं क्योंकि उहदे विच तां चचे नू करना नहीं पाया होया ठीक है लल्ले नू दुलैंकड़ है यस हुण ए ते बी दे विच लल्ले नू दुलैंकड़ दोनां च है पक्का लास्ट वर्ड जिहड़ा कि उह दोनां च है हुण असी ए ते बी नू बोल के देखना है कि ए वर्ड सही बन रहा है कुछ वर्ड जिहड़ा असी रीड किया होया या इहदा मतलब कुछ है पहला वर्ड है कचालू हुण सानू पता है कि ए वर्ड है पर फिर भी असी बी बी जिहड़ा है उहनू देखांगे जरूर चालू हुण सानू पता है कि ए वर्ड कोई वर्ड नहीं बनता सो पंजवें दा ए इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है सेम विद सिक्स बी सारे लिख रहे हैं विच इज द राइट आंसर यस बट बेटे तुसी एक बारी सारिया ऑप्शंस नु देखना जरूर है ठीक है नेक्स्ट सिर्फ कुछ एक बच्चे है जेडे आंसर्स बार 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 सेंड कर रहे हैं सारे बच्चे आंसर सेंड नहीं कर रहे सेवंथ बेटे सिक्स और नहीं हूं सेवंथ नु देखना तुसी अनंतिका से प्रॉपरली बेटे एंड पे अटेंशन सेवेंथ ए एट बी जसराज म्यूट योरसेल्फ सेवेंथ ए एट बी सो पहला वर्ड है लेक्चर तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन सेकंड एट है बी यस अखरोट चलो चलो जल्दी जल्दी हुण देखो नाइन्थ वाला जेड़ा है ओके किसी ने हाले तक आंसर नहीं सेंड किया चलो लेट्स वेट फॉर द आंसर फर्स्ट क्योंकि ये बिंदी टिप्पी ही है लेट्स सी नाइन्थ दा बेटे भावेश नाइन्थ ए ओके जिया कह रही है नाइन्थ बी टेंथ ए नाइन्थ
कुछ बच्चे ए सेंड कर रहे हैं, 9th तक, कुछ बी। कुछ बच्चे 9th का ए लिख रहे हैं, कुछ बच्चे 9th का बी लिख रहे हैं। हम देखो ए जड़े बच्चे लिख रहे हैं वो है रारा गगा रग, रारा गगा रग, दिनु कन्नारा रा रगदार। ये ठीक साउंड कर रहे हैं वर्ड रगदार। हुण जे असी रारे दे उत्ते टिप्पी पाती गगा दिनु कन्नारा रा ता वर्ड बनता है रंगदार। देखो विच अंग दी साउंड आ रही है रंगदार, नन्हे दी या अंग दी आवाज विच आ रही है रंगदार। ठीक है, रंगदार जिहड़ा रंग दा काम करता है। ओके, ते लास्ट वर्ड है बब्बे नु करना उत्ते बिंदी दत्तारा रा बांदर नन्ना। ठीक है बेटे, 9th दा सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन बी, ते 10th दा ए। यस, 9th हाले भी ए सेंड कर रहे, ए नहीं बेटे, 9th दा बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ए नहीं है। रंगदार हुंदा, रगदार नहीं हुंदा। ठीक है, ओके। हुण मैं स्क्रीन शेयर बंद कर रही हूं, फटाफट जरा अपनी नोटबुक्स रखो अपने कोल, नोटबुक्स थोड़े कोल होनी चाहिए वैसे ऑलरेडी, क्योंकि मैं बहुत बारी क्या होया नोटबुक्स अपने कोल ही रखा करो। चलिए चलिए जल्दी जल्दी। चलिए ओके, लिखो मास्टर दा आरव मेहता तुसी लेटे हुए हो बेटे, लिख रहे हो तुसी? इसीलिए तुसी कैमरा बंद रख दिया ना सारे, ताकि मैम नु दिखे ही ना कि मैं लिख रहा या नहीं लिख रहा। मास्टर दा सतिकार कर, मास्टर दा सतिकार कर, मास्टर दा सतिकार कर। लास्ट टाइम रिपीट कर रही हूं, मास्टर दा सतिकार कर। नेक्स्ट है अरुण दीवा जगा। मैम प्लीज वेट, बेटे हुन तक तो थोड़ी स्पीड बहुत बढ़ जानी चाहिए है, बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस है जेडे बच्चे हल। अच्छा ए थोड़ी स्पीड दा भी टेस्ट हो जांदा ना एक तरह, कि थोड़ी स्पीड अगर हल तक भी नहीं हुई तो तुसी प्लीज थोड़ी वधा लो स्पीड। अरुण दीवा जगा, अरुण दीवा जगा। कुछ बच्चे लिख हाले भी नहीं रहे। मैम अरुण दीवा जगा, अरुण दीवा जगा। नेक्स्ट इज अरुण दीवा जगा तो बाद है गणेश, गणेश अमरूद लिया। गणेश अमरूद लिया, गणेश
अमरूद लिया। गणेश अमरूद लिया। नेक्स्ट इज गणेश अमरूद लिया तो बाद शैलजा, शैलजा भोजन खा, शैलजा भोजन खा। शैलजा भोजन खा। नेक्स्ट द लास्ट इज सौरभ, सौरभ पतंग उड़ा। सौरभ पतंग उड़ा। सौरभ पतंग उड़ा। सौरभ पतंग उड़ा। ओके बेटे, मैं एक बारी रिपीट कर रही हूँ, सारे जरा ध्यान नाल सुन लो, ठीक है। मास्टर दा सतिकार कर। अरुण दीवा जगा। गणेश अमरूद लिया। शैलजा भोजन खा। सौरभ पतंग उड़ा। ओके बेटे, ज्यादा नहीं टाइम दवांगी, ठीक है। क्विकली जरा चेक कर लो, ठीक है, अपनी मिस्टेक्स चेक कर लो, और चैट बॉक्स के विच लिखना है कि थोड़ी मिस्टेक किनिया हुई हैं। ओके, सिमरन द पेरेंट्स ने लिखा हुआ है, मे बी के सिमरन नु रीडिंग लिए कहना। मैम सिमरन रीडिंग ऑलरेडी कर चुकी है लास्ट क्लास दे विच, तो रिपीटेडली सेम बच्चे नहीं, मैं कोशिश कर दी कि उन्हां दी टर्न आए। डिफरेंट डिफरेंट बच्चे, मैं चाहती कि सभी एक बारी जरूर आ जाए, सो दैट मैनू भी पता चल जाए कि वो रीडिंग किस तरह की करते हैं। बेटे 5 out of 5 मार्क्स किदा आ गए थोड़े, वो तो मैं डिसाइड करूंगी ना, और आप मार्क्स तो दे ही नहीं रहे, ये तो सिर्फ से सिर्फ थोड़ी प्रैक्टिस लिए है, ठीक है। तुसे सिर्फ ये दसना है कि तुसी मिस्टेक्स किनिया कीतियां। दोज़ हू हैव डन जस्ट वन मिस्टेक और टू मिस्टेक्स, वेरी गुड। जिन्हां दियां 3, 4, 5, 6 मिस्टेक्स है, इहदा मतलब तुसी रोज ओके मैम हर एक मात्रा नू रीडिंग करनी शुरू करो। ओके हर एक मात्रा दी रीडिंग रोज रोज करनी शुरू करो, ठीक है। ओके ओके बाय अनंत, बाय मैम। क्लास खत्म नहीं हुई बेटे, सानू आवाज आ रही है थोड़ी। ओके हाँ जी, तो आज थोड़े नाल मैम ने पोएम शेयर की है नान की, है ना। चलो क्विकली एक बार थोड़ा मैम डालते हैं, तुसी नाल नाल मैम दे बोलना है, ठीक है। म्यूट से ही रहना है बट नाल नाल बोलना है और लर्न कर लेनी है आज जी। छोटी जी पोएम है, ठीक है। छुट्टियां मम्मी मुझे बोलना के जावा। ओके बेटे दिया, एक मिनट की मैम बोल देन, फिर उसके बाद तुसी सुनाना, ठीक है। छुट्टियां विच मैं नान के जावा, नाना जी नु फते बुलावा। फते बुलावा मतलब सत श्री अकाल या नमस्ते, जो जिदा भी तुसी विश करते हैं, ठीक है। नानी नू गल वकड़ी, एदा गल वकड़ी पांदे ना, इस तरह पाई दी है ना गल वकड़ी, ठीक है।
मामी बिंदी क्योदी चूरी कोई ना वट्टे नानके कूरी। कूरी की हुंदा है जदों मम्मा गुस्से विच देख गया ना, मम्मा सिर्फ इशारे ना समझांदे हुंदे कि एह काम नहीं करना, फिर गुस्से ना देख दिया ना, ओनू कहिंदे कूरी वटना। ठीक है, कोई ना वट्टे नानके कूरी, नाना जी मैनू पाठ सिखांदे नित गुरुद्वारे लैके जांदे। ठीक है, चलो दिया जल्दी जल्दी सुनाओ फिर क्लास वाइंड अप करिए, टाइम हो गया। हाँ जी दिया। छुट्टियां विच्चा नानके जामा, नाना जी नू फते बलामा, नानी नू गल वकड़ी पामा, मामी दिंदी क्यों दी चूड़ी, मामी दिंदी क्यों दी चूड़ी, नाना जी मेनू पाठ सिखांदे, नाना जी मेनू पाठ सिखांदे, नित गुरुद्वारे लेके जांदे, नित गुरुद्वारे लेके जांदे। वेरी गुड, वेल डन बेटे। चूड़ी है, चूरी, चूरी की हुंदा है रोटी दी। मामा कभी चूरी खादी है? हाँ, चूरी क्यों yes, दे विच रोटी नू मैश करके चंगी तरह बनांदे है। ठीक है, कुछ लोग मिठी पसंद करदे है, कुछ लोग नमकीन पसंद करदे है ना, ओनू चूरी कहंदे है। क्यों, देसी क्यों पाके ओनू बनांदे है रोटी नू मैश करके चंगी तरह। ठीक है, चूरी है रारे नाल है। ठीक है बेटे, ओके। सो पहले आज तुसी सारिया ने पोएम लर्न करनी है, जेडे मैम ने थोड़े नाल वर्ड शेयर किए है। ओके, एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग मैं थानू पहला भी कहा सी बेटे, थोड़ी बुक दे विच बिंदी ते टिप्पी वाले जेडे शब्द है बहुत घट है, इसलिए जेडे मैम ने थोड़े नाल वर्ड भी शेयर किए सी और जेडे अज मैं थोड़े नाल सेंटेंसेस भी शेयर किए है, जरूरी नहीं है कि वो थोड़ी बुक चो होन। ठीक है, इसलिए बहुत जरूरी है कि तुसी उन्होंने अपनी नोटबुक के ऊपर ध्यान ना लिखो। वैसे तो तुसी बाकी सारा काम भी ध्यान ना ही करना, पर वर्ड्स से सेंटेंसेस को जरूर मेक श्योर कि तुसी ध्यान ना लिखियो, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स इना विचों भी हो सकते हैं। फिर तुसी लभोगे कि मैम जेडे कॉन्सेप्ट है जो बुक जो नहीं है वो इना वर्ड्स विचों भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी अपना काम फिनिश करना है और आज ही पोएम लर्न करनी है। नेक्स्ट जो दो कॉन्सेप्ट मैम शेयर करेंगे, फिर एक और पोएम शेयर करेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है जी,